हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लाल मिर्च का भरवा अचार बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 1 केजी लाल मिर्च ले लिया है जो कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है इस टाइम पे, इस सीजन में, तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। और आपको उसको अच्छे से वॉश कर लेना है, सुखा लेना है, उसके पानी अच्छे से सूख जाना चाहिए। और इसमें जो हरी डंठल होती है ना, डंठल को आपको कट कर लेना है। आप चाहे तो इसे खड़ा अचार भी बना सकते हैं। मैं एक मिर्च को 2 पार्ट में डिवाइड की हूँ। और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसके अंदर की जो बीज होती है ना, बीज को आपको निकाल लेना है, क्योंकि वो बीज हमें मसाले में यूज़ करना होता है। तो इसीलिए आपको सारे मिर्च के जो भी बीज है ना, उसको निकाल के एक जगह इकट्ठा कर लेना है। और उस बीज को आपको धूप में सुखा लेना है, क्योंकि वो बीज थोड़ा गीला होता है, तो उसको आपको अच्छे से सुखा लेना है। तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने एक मिर्च को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। और मैं इसको अच्छे से, इसके सारे बीज को मैंने निकाल लिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है मसाला बनाने का। तो इसके लिए मैंने सरसों लिया है, जिसको राई भी बोलते हैं। उसके बाद आपको इसमें जीरा ऐड कर देना है, मेथी ऐड कर देना है, और जीरा मेथी का क्वांटिटी बहुत ही कम होना चाहिए। और सरसों जो राई है वो मैंने 250 ग्राम लिया है। उसके बाद आप इसमें सौंफ ऐड कर दें, हींग ऐड कर दें, मैंने ये सारी चीज़ें ऐड करी हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है ना, कि इसमें मैंने धनिया, साबुत धनिया भी मैंने इसमें ऐड किया है, और मैं उसको अच्छे से सौते कर लूँगी। मसाला तीखा करने के लिए, आपको अगर तीखा नहीं पसंद है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। मुझे मसाला तीखा चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें खड़ा लाल मिर्च भी इसमें ऐड किया है। उसको भी मैं थोड़ा सौते करके, और उसको मिक्सी जार में उसको पिस करके, और मैं उसको भी मसाले में ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा मसाला चाहिए था अचार के लिए। अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। और इसमें आपको हल्दी चाहिए होता है, आमचूर पाउडर चाहिए होता है। तो 1 केजी मैंने अगर लाल मिर्च लिया है ना, तो उसमें 100 ग्राम आमचूर पाउडर लगता है। आप देख सकते हैं, ये मसाले मैंने सौते कर लिया है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं भूनना है, आपको बहुत हल्का सौते करना है, और आपको मसाला बारीक पीसना है। तो मैंने मसाला बारीक पीस लिया है, और जो मिर्च का जो निकला हुआ था मसाला ना, जो मैंने वो बीज निकाला था, मैं उसको भी जार में बहुत हल्का उसको मैं पीस लूँगी। अब हमें क्या करना है कि मसाला रेडी करना है। तो जो पिसा हुआ था ना, उसमें मैंने 100 ग्राम आमचूर पाउडर डाला है, जो हमने सौते करके मिक्सर जार में पिसा था। उसके बाद आप इसमें आप अगर हींग उसी अगर सौते किए हैं तो ठीक है, वरना इस टाइम पर आप हींग, हल्दी ऐड कर दें, नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर दें, और जो आपने अभी ये जो लाल मिर्च वाला जो आपने निकाला है ना बीज, आप उसको इसी में ऐड कर दें। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। सॉरी, मैं हल्दी डालते वक्त मैंने वीडियो स्किप कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आपको इसमें हल्दी भी ऐड करना है, और इसमें सरसों तेल ऐड करके ये जो पाउडर है ना, जो मिक्सचर है, जो फिलिंग्स है, इसको थोड़ा सा गीला करना है, ताकि जो मिर्च है ना, उसमें अच्छे से वो फिल हो जाए। तो और इसमें आपको अजवाइन मंगरेल भी डालना है, या तो आप अजवाइन मंगरेल जो सौते कर रहे हैं उसमें भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं, और नहीं तो बाद में आप ऐड कर दें। तो मैंने बाद में ऐड किया है इसको। और इसमें हल्दी, मैं एक बार और बोल रही हूँ कि आपको हल्दी भी ऐड करना है, जो कि मैंने वीडियो में स्किप कर दिया है। तो आप इसमें हल्दी भी ऐड कर दें, और इसमें हींग भी आप ऐड कर दें, वो भी मैंने स्किप कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आपको हींग भी ऐड करना है। मैंने जो जो यूज़ किया ना, मैं सारे इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इस तरीके से सारे मिर्च में मसाले फिल कर लेना है, और फिल करने के बाद आपको इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख देना है, ताकि जो मसाले हैं वो सेटल्ड हो जाए। उसके बाद जब आप धूप में इसको छोड़ देते हैं ना, थोड़ी देर के लिए, पूरे दिन के लिए आप इसे छोड़ दो, 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है ना, कि आप देख सकते हैं सारे मसाले बहुत सेटल्ड हो गए हैं। उसके बाद आपको सरसों तेल लेना है, और आप याद रखें कि कोई भी अचार आपको ग्लास जार में ही रखना चाहिए, कभी अचार खराब नहीं होता है। इस तरीके से आपको हर एक जो मिर्च है ना, उसको आपको ऑयल में डिप करना है, और जार में आप रखते जाए, और लास्ट में जो ऑयल बचेगा ना, उसको आप जार में ही रख दें। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है,
आप प्लीज़ इसको फॉलो करें और एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे अचार जार में रख दिए और जो बचा हुआ ऑयल था ना, मैं उस सारे ऑयल इसमें डाल दूंगी और आपको इसको धूप में एटलीस्ट एक वीक तक आपको रखना होगा मसालों को पकने के लिए। उसके बाद ये बहुत टेस्टी अचार रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू चैनल एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज़ डू ट्राई ऑल्सो। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। थैंक यू।